हे एवरीवन, आज हम बनाने वाले हैं यम्मी यम्मी पास्ता, जिसमें ना तो वाइट सॉस की ज़रूरत होगी और ना ही रेड सॉस की। और ये एकदम इजी वे में बनता है और बहुत टेस्टी लगता है। तो चलिए शुरू करते हैं पास्ता बनाने के लिए। सबसे पहले हम करेंगे पास्ता को बॉईल। मैंने पानी लिया है, पानी में एक कटोरी पास्ता डाल दिया है, साथ ही में एक चम्मच ऑयल डाल दिया है और ऑयल के साथ में मैंने डाला है हाफ टेबल स्पून के करीब नमक। और इन सबको अच्छे से मिक्स करके इनको बॉयल कर लेंगे जब तक हमारा पास्ता सॉफ्ट नहीं हो जाता है। तो 2 से 3 मिनट्स का टाइम लगेगा। देखिए 2 से 3 मिनट्स का टाइम हो चुका है, हमारा पास्ता बॉईल हो चुका है और साइज में डबल हो चुका है। आप इन्हें अगर आप इसको फिंगर से दबाएंगे तो ये एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट आपको लगेगा। बस इसी टाइम पे हमें गैस की फ्लेम को ऑफ कर देना है और इसको एक छलनी में डाल देना है, जिससे कि जितना एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाए और पास्ता हमारा ड्राई हो जाए। तो देखिए मैंने छलनी में निकाल के इसको रख दिया है, सारा पानी निकल चुका है। अब हम ग्रेवी बनाते हैं। इसके लिए मैंने लिया है एक पैन और पैन को हीट करके उसमें 2 टेबल स्पून ऑयल मैंने ऐड किया है। आप कोई भी फूड ऑयल का यूज़ कर सकते हैं, बस स्ट्रॉन्ग फ्लेवर ना हो ऑयल में। तो जब तक हमारा ऑयल हीट होता है मैं आपको दिखा देती हूँ वेजीज। मैंने यहाँ पे गार्लिक कट किया है, कैप्सिकम कट किया है और अनियंस कट किया है। आप इसमें मनचाही वेजीज डाल सकते हैं। तो यहाँ मैंने इसमें जैसे ही हमारा हीट हो गया ऑयल, तो उसमें मैंने गार्लिक डाल दिया, यानी कि लहसुन, चॉप किया हुआ लहसुन है ये मैंने उसको डाल दिया है। हल्का सा इसको सॉटे करेंगे, बहुत हल्का सा ब्राउन कलर आते ही हम उसमें डाल देंगे अनियंस। मैंने यहाँ पे प्याज को लंबा लंबा कट किया है, आप अपने अकॉर्डिंग शेप में प्याज को कट कर सकते हैं। जब प्याज भी आपकी हल्के से ब्राउन कलर होना शुरू हो जाए तभी उसी टाइम पर हम उसमें डाल देंगे कैप्सिकम। कैप्सिकम्स को मैंने यहाँ पे छोटे छोटे पीसेस में कट किया। आप यहाँ पे ब्रोकली और कॉर्न्स का भी यूज़ कर सकते हैं, मनचाही वेजीज आप इसमें डाल सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले, जिससे कि मेरी ईजी और लेटेस्ट वीडियो आप तक आती रहे। तो देखिए हम अपनी वेजीज को थोड़ा सा भून ले रहे हैं। यहाँ पर मेरी वेजीज को भूनते हुए 1 मिनट का टाइम हो गया था। अब मैं इसमें डालूंगी ये 2 टेबल स्पून के करीब पिज़्ज़ा पास्ता सॉस है और साथ ही में 2 टेबल स्पून के करीब मेयोनीज। मेयोनीज अगर आपको ज़्यादा क्रीमी पास्ता अच्छा लगता है तो आप यहाँ पर 5 टेबल स्पून के करीब भी मेयोनीज ऐड कर सकते हैं। मैंने सिर्फ 2 टेबल स्पून डाली है। अभी पिज़्ज़ा पास्ता सॉस और मेयोनीज को हम वेजीज के साथ में अच्छे से मिक्स कर देते हैं और मिक्स करने के बाद में हम बाकी इन्ग्रीडियंट्स इसमें ऐड करेंगे। तो देखिए मिक्स हो गया है अच्छे से, ऑयल रिलीज होना शुरू भी हो गया है। तो यहाँ मैंने 1/2 टेबल स्पून डाला है ओरिगेनो। ओरिगेनो ज़्यादा नहीं डालें क्योंकि पिज्जा पास्ता सॉस में ऑलरेडी होता है। और 1/2 टेबल स्पून चिली फ्लेक्स, अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप चिली फ्लेक्स को अवॉइड कर सकते हैं। इन दोनों को भी अच्छे से मिक्स कर देंगे और साथ ही में अब इसमें डालेंगे थोड़ी सी हम 2 टेबल स्पून के करीब टमाटो केचप। टमाटो केचप से एक बहुत ही यम्मी टेस्ट आता है, तो टमाटो केचप को भी हम अपनी ग्रेवी के साथ अच्छे से मिक्स कर देते हैं। और लास्ट में हम डालेंगे थोड़ा सा नमक। नमक आप कम ही डालेगा क्योंकि टमाटो केचप और पिज्जा पास्ता सॉस दोनों में नमक होता है, तो इसलिए नमक बहुत कम क्वांटिटी में आप डालिएगा। तो देखिए हमारी जो ग्रेवी बनके रेडी है। अब जो पास्ता हमने रखा हुआ था बॉईल किया हुआ, वो अपनी ग्रेवी में डाल देंगे और अपनी ग्रेवी को अच्छे से पास्ता के साथ में मिक्स कर देंगे। थोड़ा आराम से कीजिएगा कि पास्ता ज़्यादा टूटे ना, तो इसलिए बहुत आराम आराम से हम इसको अच्छे से मिक्स कर देते हैं। देखिए कितना अच्छा कलर आ रहा है और खुशबू तो इतनी लाजवाब आ रही है, मैं आपको क्या बताऊँ। मेरी बेटी को ये पास्ता बहुत पसंद है और इसकी अच्छी बात क्या है कि ये मिनटों में बनके तैयार हो जाता है। तो जब हमारा ये अच्छे से मिक्स हो जाए तो मैंने यहाँ पर प्रोसेस चीज़ को कद्दूकस करके रखा है, थोड़ा सा मैं वो ऊपर से डाल दूंगी। ये टोटली ऑप्शन है, आप तो इसके बिना भी इसको सर्व कर सकते हैं, बहुत टेस्टी लगता है इसके बिना भी। बस ये थोड़ा सा रखा हुआ था तो मैंने इसमें ऐड कर दिया और इसको कवर करके 2 मिनट के लिए हमने पका लिया है। तो देखिए चीज़ हमारा अच्छे से मेल्ट हो चुका है, ये एकदम रेडी है सर्व होने के लिए। अब हम इसकी प्लेटिंग करते हैं। तो चलिए इसको प्लेटिंग करते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक प्लेट में पास्ता डाल दिया है और पास्ते के साथ में ऊपर से मैं थोड़ा सा प्रोसेस चीज़ जो कद्दूकस करके रखा हुआ है उसे डाल के सर्व करूँगी। तो देखिए लग रहा है ना यमी, इतना ये जितना यमी देखने में है ना खाने में दुगना यमी है।